लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई, बीजेपी और लोक नेता गणेश नाइक को जोर का झटका देते हुए आज तुर्भे स्टोर्स और इंदिरा नगर परिसर के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शिवसेना का दामन थाम लिया। इनमें तालुका अध्यक्ष, वार्ड और जिला स्तर के पदाधिकारियों का समावेश है। सानी नेता सुरेश कुलकर्णी की मौजूदगी में शिवसेना जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने बीजेपी और एनसीपी कार्यकर्ताओं को भगवा झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने कहा कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं के कामकाज और वादा खिलाफी से कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो रहा है, इसलिए वे शिवसेना में आ रहे हैं और उन्हें शिवसेना सम्मान दिलाने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए रिपोर्ट। नवीन भाई, बीजेपी और विधायक गणेश नाइक को जोर का झटका देते हुए आज तुर्भे इलाके के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शिवसेना में प्रवेश कर लिया। स्थानीय नेता सुरेश कुलकर्णी और उपसहर प्रमुख प्रकाश पाटिल की मौजूदगी में जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने इन पदाधिकारियों को भगवा झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। इनमें बीजेपी महिला मोर्चा की तालुका अध्यक्ष राजकुमारी चौहान, वार्ड 73 की अध्यक्ष आफरीन परवेज शेख, बीजेपी नेता राजू शिंदे के रिश्तेदार विनोद वाघमारे, अजीत वाघमारे, समाज सेवी हजारीलाल गुप्ता, इंदिरा नगर के बूथ प्रमुख विशाल मेढकर और एनसीपी के जिला उपाध्यक्ष राजू सालवी समेत ऐसे दर्जनों पदाधिकारियों का नाम शामिल है। इस पर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने कहा कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं के कामकाज और उनकी वादा खिलाफी से सभी कार्यकर्ता उपेक्षित और नाराज हैं। उनका बीजेपी से मोह भंग हो रहा है, इसलिए वे शिवसेना में आ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिवसेना ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिलाने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आज तुर्भे में हमारे यहाँ के माजी सभापति, नगर सेवक सन्माननीय सुरेश कुलकर्णी, इनके नेतृत्व में उनका कार्य पद्धति देखकर बड़े पैमाने पे भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी, तालुका स्तरीय पदाधिकारी, वार्ड स्तरीय पदाधिकारी, अलग अलग सेल के पदाधिकारी, महिलाओं बड़े पैमाने पे, समझे आप करीबन 450 पदाधिकारी ने, महिला और पुरुष, इन्होंने यहाँ पर आज शिवसेना में प्रवेश किया है। भाजपा की यहाँ की जो कार्य पद्धति है, यहाँ के नेताओं का जो उनके साथ व्यवहार है, वो देखकर वो कंटाल गए। आज इन सभी लोगों ने शिवसेना पर विश्वास रखकर माननीय उद्धव साहब, माननीय शिंदे साहब, माननीय खासदार साहब राजन विचारे, इनके जो इनका जो भरोसा है, इस भरोसे पे आज बड़े पैमाने पे प्रवेश किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इसके आगे आप शिवसेना में जो उद्देश्य आए हैं, वो उद्देश्य सफल होगा, आपको एक सम्मान मिलेगा और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि बीते हफ्ते दीघा क्षेत्र के 34 शिवसेना और एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया था। आज शिवसेना ने सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराकर उसे बड़ा संदेश दिया। सानी शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने आज दावा किया कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ शिवसेना में प्रवेश करने वाले हैं। सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि आज का प्रवेश सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। ये सब हमारा पार्टी का माध्यम से इन लोग को ये काम देख के ये पार्टी में इन लोग प्रवेश किए। हमारा पार्टी में जो पब्लिक आ रहे हैं, बीजेपी जो भी पब्लिक आए, आज बहुत सारे कार्यकर्ता आए, आज ज्यादा ज्यादा करके आज इंदिरा नगर का कार्यकर्ता आ गए बीजेपी के, वहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी 100-150 उधर से आए, हनुमान नगर के कुछ आए, हमारे तुर्भाष्टुर के कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता है, कुछ लोग माजी आजी नगर सेवक का रिलेटिव भी है, उन लोग भी आ गए ले, और उन लोग आया उनका हम लोग स्वागत करेंगे शिवसेना पार्टी में, उनको हम लोग सम्मान देने वाले, और उन लोग को जितना हो सके उतना
जिसको जिसको जो पद लगेगा हमारा शिवसेना के माध्यम से आदरणीय जिला प्रमुख के माध्यम से वो देंगे। अभी तो ये तो टेलर है और पिक्चर बाकी है। वहीं बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना का झंडा थामने वाले पदाधिकारियों ने भी बीजेपी और एनसीपी नेताओं द्वारा की जा रही उपेक्षा और अपमान पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरेश कुलकर्णी के नेतृत्व में उन्हें शिवसेना में सम्मान जरूर मिलेगा, इसलिए उन्होंने पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा वो अभी सुन लीजिए। आज मी जिल्हा उपाध्यक्ष पदावर पण होतो, पण मला एक काम करायची संधी मला तिथे भेटत नव्हती, आणि मला काम करायची संधी मला भरपूर पाहिजे आणि मला काम करायची आवड आहे, म्हणून एक विचार केला की माझे सगळे कुटुंब सुरेश शेट आणि सेनेमध्ये आहेत, पण मी पण एक विचार केला मला काम संधी करायची संधी पाहिजे, म्हणून मी स्वतःचा निर्णय करून मी शिवसेनेत प्रवेश केला। बऱ्याच काळापासून आमचे भारतीय जनता पक्षातून आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं मार्गदर्शन किंवा आमच्या सोबतच्या कार्यकर्त्यांना कुठल्याही प्रकारे म्हणजे त्यांना त्यांची जी कामं होती ती होत नव्हती, म्हणून कुठल्या तरी आपल्या कार्यकर्त्यांचं ऐकून आपण या पक्षात नाही काम करू शकत याच्यापुढं, म्हणून आम्ही आज माननीय सूर्यदादा कुलकर्णींसोबत 100 महिला आहेत आणि 50 कार्यकर्ते, म्हणून आज आम्ही शिवसेनेत प्रवेश करतो आहे भारतीय जनता पार्टीमध्ये। याच्यासाठी आम्ही कामं नाही, आम्ही 1-2 वर्ष त्यांच्या पक्षामध्ये होतो, पण लेडीज लोकांना काही सुविधा आणि त्यांची काहीच कामं होत नव्हती, म्हणून आम्हाला तिथे नाही बरं वाटलं, म्हणून आम्ही दादांच्या संगती इथे सहकार्य करणार आहेत। मी बीजेपीचं पद सोडून मी महिला वार्ड अध्यक्ष होते, माझ्या 50 महिला घेऊन मी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। पहिले मी बीजेपी में काम किया करते थे, मगर बीजेपी में मेरे नायक दादा का ही देख के काम किया था, पर उसके अंदर यहाँ के जो कुछ लोग रहवासी जो रहने वाले थे जिसकी वजह से मैं वो पार्टी में गई थी, उनको लाई थी, वो लोग का कुछ गंदा काम देख के मैंने वो पार्टी छोड़ दी। मैंने उनको बहुत साथ दिया, पैसे से साथ दिया, सब कुछ से साथ दिया, मगर उनकी सोच गलत थी। किस गरीबों को टोचना उनका काम है, मजबूर करना उनका काम है। आज अगर वो लोग ये काम गंदा काम कर रहे हैं, कल के ऐसा ना हो सके जीतने के बाद वो बहुत सारे बुरा काम करेंगे, इसीलिए उनको छोड़कर हमने सुरेश कुलकर्णी की पार्टी में जुड़ गए, क्योंकि वो लोग से तो ये अच्छे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया।